हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू जी एस बी गोयल्स आपकी बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है कैसे हैं सारे लोग आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नए अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो गए तो आइए कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट सेवरल इनिशिएटिव टू बूस्ट एजुकेशन सेक्टर ये आपका एक ऐसे राइटिंग भी हो सकता है और ये आपकी ऐसे राइटिंग भी इम्प्रूव करेगा इंडिया वर्ल्ड बैंक मतलब इंडिया वर्ल्ड बैंक नहीं मतलब वर्ल्ड बैंक का क्या रहा सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम इंडिया के लिए चलाया वर्ल्ड बैंक में देखते हैं इसमें क्या है सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो चलाया गया क्या है इसमें क्या नहीं है आगे कवर करेंगे ठीक है न्यू पीसिस ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी डिस्कवर्ड ये क्या है ट्राग्लोमाइसिस इसको आगे कवर करेंगे वॉट इज़ बैल्टिक ट्रैवल बबल रिसेंटली इन न्यूज क्या है ये इसको भी आगे कवर करेंगे एंड यू एस टू डोनेट वेंटिलेटर टू इंडिया ठीक है ना इन सारी न्यूज़ को हम लोग आगे कवर करेंगे ठीक है आइए कुछ एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं टू ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस बैचलर ऑफ़ साइंस इन बायोटेक मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक इफ आई टॉक अबाउट माई अनकेडमी एक्सपीरियंस तो नाइन्टी सिक्स परसेंट रेटिंग और टॉप एजुकेटर में सिक्सटी टूव रैंक यू कैन डू इट आइए आज का अभी बेस्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं बेस्ट कमेंट सबसे पहले यू कैन डू इट मुझे नाम नहीं पता इनका बट बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑसम कंटेंट सुपर क्लास थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप स्माइलिंग आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर जाकर आपके क्वेश्चन जरूर देखे क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन बेस्ट सेलेक्ट किए हैं गॉड ब्लेस यू चेताक्षी जी बेस्ट वीडियो थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट सेवरल इनिशियटिव टू बूस्ट एजुकेशन सेक्टर इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है एक्चुअली हम सब पढ़ते हुए आए हैं आज एक बार थोड़ा सा उसको देख लेंगे एक साथ करके ठीक है पी एम मोदी रिसेंटली अनाउंस आत्मनिर्भर भारत अभियान अंडर दो लाख करोड़ वॉज एलोकेटेड ठीक है इसके तहत मतलब जब दो लाख करोड़ रुपये शेंक्शन किया गया तो उसके तहत एक और एक नया अनाउंसमेंट हुआ कि आत्मनिर्भर भारत अभियान बने कुछ भी हो हम आत्मनिर्भर रहें ठीक है ना प्लीज नोट इट देयर आर सेवरल इनिशिएटिव टू टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान मतलब अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ नए नए इनिशिएटिव चलाए गए दीज इनिशिएटिव विल ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सेक्टर एंड विल हेल्प इन ब्रिंगिंग द होलिस्टिक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द कंट्री कंट्री ठीक है पी एम ई विद्या ये क्या है देखते हैं पी एम ई विद्या इस टू लॉन्च दैट विल यूनिफाई रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द मल्टी मोड एक्सेस ऑफ एजुकेशन मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन इट विल इंक्लूड टू मेजर इनिशिएटिव। ध्यान देना इसमें क्या क्या इंक्लूड है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वन क्लास वन चैनल ठीक है ये दो मेजर इनिशिएटिव हैं जो इसमें हैं किसमें पी एम ई विद्या में ठीक है आइए देखते हैं दीज टू इनिशिएटिव विल मेक श्योर स्टूडेंट इवन इन रिमोट एरिया मतलब जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है जहाँ लाइट वगैरह नेट वेट नहीं है मतलब गांव वाले एरिया बोल सकते हैं रिमोट एरिए विल रिसीव अ एजुकेशनल मटेरियल दीज इनिशिएटिव विल इंक्रीज़ एंड इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन मटेरियल ऑल्सो दे विल हेल्प टू ब्रिंगिंग इक्विटी इन एजुकेशन अब बोलें रिमोट एरिया की बात करें जहाँ हम लाइट ना हो और रोड की प्रॉब्लम हो और जो मेन एरिया है जैसे कि मान लीजिए आपका मेन एरिया है जहाँ आप रहते हैं या जो आपका मेन शहर है यहाँ से बहुत दूर है ना गांव टाइप का कस्बा जहाँ स्कूल वगैरह ना हो ठीक है ना तो वो आपका रिमोट एरिया कहलाएगा तो वहाँ भी अगर नेट की नेट की सुविधा इस टाइम देखा जाए तो ज़्यादातर हर जगह तो वो, वो वहाँ से वो एक्सेस कर सकता है तो कहने की बात क्या ब्रिंग इक्विटी मतलब पूरा इक्वली जो एजुकेशन इस शहर में रहते बच्चे को मिल रही वो यहाँ पर रिमोट एरिया में जो बच्चा रहेगा उसको भी मिलेगा तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी इससे बढ़ेगी वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये क्या है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म विल इंक्लूड दीक्षा पढ़ा चुका हूँ आपको दीक्षा के बारे में दिस विल नाउ विकम अ मेजर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री दैट विलोवाइडिटी कंटेंट टू स्कूल चिल्ड्रेन वन नेशन वन चैनल सर ये क्या है बिल्कुल देखते हैं द वन क्लास एंड चैनल इनिशियटिव प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन मटीरियल फॉर ऑल क्लासेस फ्रॉम वन टू टक्लूड स्वयं ऑनलाइन कोर्स पढ़ा चुका हूँ आपको स्टडी मटीरियल फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल कॉल्ड अ डी आई डी ए एस आई डी ए आई एस वाई डिजिटली एसेसबल इंफॉर्मेशन सिस्टम दिस इज़ टू बेनिफिट मोर देन ट्वेंटी फाइव करोड़ चिल्ड्रेन और इससे क्या रहेगा कि जितने भी नए नए तरीके के कोर्स मतलब एक चीज़ कितनी अच्छी चीज़ है कि मतलब पूरे एक ही चैनल पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ठीक है मंदरेपन ठीक है मंदोरेपन इनिशिएटिव क्या आएगी देखते हैं मंदोरेपन इनिशिएटिव क्या आएगी द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फिजिजिकल सपोर्ट टू टीचर अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब एक तरीके से पूरा फिजियोलॉजिकल तरीके से कैसे इंटरेक्ट करना है टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स और फैमिलीज के साथ विल प्रोवाइड आ सपोर्ट टू नेशनल डायरेक्टरी ऑफ काउंसलर एंड टोल फ्री हेल्पलाइन टू वी लॉन्च मतलब मंदर ओपन इनिशियेटिव वो है कि इसमें फिजिजिकल सपोर्ट मिलेगा पूरा टीचर्स को भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उन, उनको भी इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा कोई फैमिली को अगर उसके बच्चे से कोई दिक्कत है कि हाँ सर हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है इस तरीके से नहीं कर पा रहा है तो क्या करें कैसे कोर्स ऐसेस करें ये सारी चीज़ें ठीक है स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं बाकी इनमें से मुझे लगता है कि टीचर और फैमिली ही कॉल करेंगे स्टूडेंट नहीं करेंगे आइए हायर एजुकेशन की बात कर ई लर्निंग इज हायर एजुकेशन इज टू बी एक्सपेंडेड टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटी इन द कंट्री विल स्टार्ट ऑनलाइन कोर्स मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अच्छे अच्छे तो उन्होंने क्या किया है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने मतलब ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं ठीक है द ऑनलाइन कंपोनेंट इन कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ टू बी रेज फ्रॉम ट्वेंटी परसेंट टू फोर्टी परसेंट दिस इज बेनिफिट मोर देन सेवन करोड़ स्टूडेंट फ्राम डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी नेशनल कैरिकुलम एंड फ्रेमवर्क क्या है ये इसको एक बार देख लेते हैं ठीक है ना इन ऑर्डर टू प्रमोट अ क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल्सो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स जॉयफुल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज टू बी फोकस्ड अंडर द फ्रेमवर्क द दैरिकुलम विल बी रूटेड इन द विल बी प्रिपेयर इन सच अ वे दैट स्टूडेंट विल फुलफिल ग्लोबल स्किल रिक्वायरमेंट अब समझ आ गया होगा ये जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है पैडागोलॉज पैडागोजिकल पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है जो ये इसका क्या मतलब है देखिए अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, पढ़ाई होगी ठीक है ना अब यहाँ पर क्या होगा कि कैसे उसकी स्किल इंप्रूवमेंट की जाए ठीक है? है ना कैसे वो एक एक समझ गए कि कैसे वो अपने आप में एक जॉयफुल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर पाए समझ गए कि पढ़ते पढ़ते उसे मंगाए मतलब बहुत ही क्रिएटिव तरीके से पढ़ाई होगी ठीक है ना अगर जो भी इसमें स्लाइड वगैरह यूज़ होगी तो वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होगी मोशन सेंसिंग होगी मतलब कहीं ना कहीं अगर जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे नेशनल फंडामेंटल तो उसकी पूरी वीडियो चलेगी कि हाँ नेशनल फंडामेंटल क्या है तो इस तरीके से सारी चीज़ें इम्प्रूव की जाएंगी और जो जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में एक स्टूडेंट की स्किल में वो सारी स्किल इंप्रूव कराई जाएंगी नेशनल फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन क्या है द इनिशिएटिव विल मेक श्योर एवरी चाइल्ड अटेन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ग्रेड थ्री इन ऑर्डर टू अचीव दिस द मिशन विल एम क्या क्या है टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग अब भाई अगर स्टूडेंट की कैपेसिटी को आपको इम्प्रूव करना है तो ज़्यादातर टीचर्स को ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस है तो उनको भी इम्प्रूव करना ठीक है रोबस्ट कैरिकुलर फ्रेमवर्क इंगेजिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग मटीरियल द इनिशिएटिव विल प्रोवाइड अ मेज़रमेंट एंड एसिस ऑफ लर्निंग आउटकमिंग कहने की बात क्या है कि मतलब इसका मतलब ये है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है देखा ना द इनिशिएटिव विल प्रोवाइड मेजरमेंट अब जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ठीक है ना हाँ ठीक है हाँ बेटा ये कर लेना ये कर लेना ये आ, कल क्लास है परसों क्लास है एक साल क्लास है पूरा एक महीने क्लास है ठीक है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आउटकम क्या आ रहा है तो ये सारी चीज़ें भी नोटिस की जाएंगी द मिशन एम टू कवर लर्निंग नीड मोर देन फोर करोड़ चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ थ्री टू एलेवन ईयरस ये जो पूरा हमने अभी पिछला भी कवर किया है ये आपके ऐसे राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सारे पॉइंट्स ठीक है तो ये इतना बड़ा करंट अफेयर विद जी के पढ़ाने का मेरा मेन मकसद यही है कि जब आप आंसर राइटिंग करें ना द बेस्ट हो इंडिया वर्ल्ड बैंक सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक का इंडिया के लिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्या है वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइन एग्रीमेंट ऑफ 750 million usd recently the world bank has assured 1 billion usd assistance to accelerate india's covid-19 special protection response program 1 billion बोले तो मतलब 1 billion डॉलर sanction कर दिया गया है कि इंडिया में जो भी रिसर्च वगैरह चल रहे हैं जो भी प्रोटेक्शन प्रोग्राम चल रहे हैं कोविड-19 के हिसाब से तो उनको कहीं ना कहीं स्पीड मिले इट एम टू प्रोटेक्ट अ वन हाउस होल्ड दैट इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड नाइन्टीन इसका मेन मकसद यही है कि जो मतलब समझ गए जो क्या कहते हैं देखिए आप अपना ख्याल रख सकते हैं मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ पर वन मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि लेबर क्लास है बहुत सारे जो जो जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो उनका ख्याल रखा जाए ठीक है प्लीज़ नोट इट

अबाउट द प्रोग्राम प्रोग्राम इज टू भी इम्प्लीमेंटेड इन टू फेज याद रखेगी ये जो प्रोग्राम वन विलियन का इसको दो फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा फर्स्ट फेज द इंडिया इज इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिस इंक्लूड द कैश बेनिफिट अंडर दिशान किसान पी एम किसान फ्री सिलेंडर अंडर उज्ज्वला योजना स्कीम एंड एडिशनल फूड ग्रेन सप्लाई एंड फ्री सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ऑल्सो कैश फॉर डिपॉजिट इन वोमेंट एन दन अकाउंट आपको पता होगा इतनी सारी चीज़ें जिनमें से बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं ठीक है, है? जनधन अकाउंट्स में पैसे भी गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है है ना फ्री सप्लाई भी हुई है फ्री सिलेंडर भी मिले हैं ठीक है ना तो अब ये होना शायद बाकी है या हो चुका है पीएम किसान मतलब किसानों के अकाउंट में तकरीबन छः से सात हज़ार रुपये हर तिमाही में जाएंगे हर तीन तीन महीने बाद ठीक है ड्यूरिंग द सेकेंड फेज एडिशनल कैश इज़ टू बी डिपॉजिट थ्रू आ सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम this focus on local need the phase is to be extended to the state through the state government the government of india has recently launched a atmanirbhar bharat abhiyan under the 2 lakh crore have been allocated to fight against covid-19 also improve the life of the people ठीक है अब क्या है ये जो दो लाख करोड़ रुपए allocate किया गया है कहीं ना कहीं COVID-19 से लड़ने में भी और जिन लोगों के पास पैसे की कमी थी जिन लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल ख़राब हो गई थी तो उसको पूरा मेंटेन करने के लिए ठीक है पूरा लाइफ मतलब समझ तो मतलब गए उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और अपना सर ढाने के लिए छत नहीं है तो उससे थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा न्यू स्पीसी ट्रोगलो क्या है ये ट्रोगलोमाइसिस ट्विटरी सर इसका ट्विटर से रिलेटेड क्यों नाम रखा है बिल्कुल बताऊँगा ट्रोगलोमाइस ट्विटरी डिस्कवर्ड आई न्यू पैरासिटिक फनजाई न्यू पैरसिटिक फंगस वॉज डिस्कवर्ड बाई डैनमार्क बायोलॉजिस्ट कॉल अ ट्रोगलो माइसिस ट्विटरी द फंगस हैज़ नेम्ड आफ्टर ट्विटर एज इट वॉज डिस्कवर्ड इन ट्विटरी ऐसा क्या है कि ये ट्विटर पर डिस्कवर हुई क्या है ट्विटर पर ट्विटर पर इसका क्यों इतना ज़्यादा वो है तो इसका नाम ट्विटर से रिलेटेड ही कर दिया गया ट्रेग्लोमाइसिस ट्विटरी देखते हैं द बायोलॉजिस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट सोफिया रिवल एरिया ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ अ हैंगन, डेनमार्क फाउंडेड द स्पीसीज द इमेज वॉज पोस्टेड ऑन ट्विटर बाई एन एंटोमोलॉजिस्ट जो कीड़ों की स्टडी करते हैं उनको एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं वगैरह मतलब इन सारी चीज़ों की ठीक है ना, तो कब 2018 में ठीक है ना, ही वॉज सेंडिंग अ मिलीपेड फोटो टू पीपल हुई ठीक है ना द फोटो मतलब उसने बताया कि ये क्या है ये क्या है लोगों ने सबसे उसने सबसे पूछा कि हाँ बताओ ये क्या है क्या है ट्विटर पर तो लोगों ने उसको किसकी फ़ोटो भेजी ये मिलीपेड्स की ठीक है ना द फोटो वॉर बीग सेंट फॉर पोलिंग पर्पस और मतलब इसलिए भेजी गई थी फोटो ये यही सेम फोटो ये है क्या तो लोगों ने कहा कुछ ने कहा ये है कुछ ने कहा ये है तो मिलीपिड की फोटो सबसे ज़्यादा भेजी गई थी अबाउट द न्यू पीसेज द फोटो ऑफ़ द मिलीपिड टिनी डॉट दैट लुक लाइट फंजाई द फंजाई बिलोंग टू ऑर्डर ऑफ ऑर्डर अ कॉलो ल्यूबल बास ठीक है लेबल बास दीज आर फंजाई दैट अटैक मिलीपिड्स एंड इंसेक्ट दे लुक लाइक लार्वा ठीक है ना इस तरीके की फंजाई होती है कि ये क्या करती है मिलीपिड्स पर अटैक करती हैं और इंसान अरे और इंसेक्ट्स पर भी इंस, अटैक करती हैं ठीक है देयर आर मोर देन थर्टी डिफरेंट स्पीसीज दैट अटैक मिलीपिड्स मतलब कहने की बात क्या है इस तरीके की टोटल तीस डिफरेंट स्पीसीज हैं जो मिलीपिट्स पर अटैक करती हैं सर मिलीपिट क्या है देखिए मिलीपिट्स ये है मिलीपिट्स आर ऑर्थोपॉट्स दे हैव टू पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स दे फाउंड इट समझ गए गएंट लेग रहते हैं दो 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 दो, -दो, 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 -दो पेयर रहते हैं दे फीड ऑन डेकिंग लीव एंड डेड मैटर दज इन अ वे दैट हेल्प इन अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस डिकम्पोजिशन में मदद मतलब करते हैं दे कॉज ट्रेवल इन ग्रीन हाउस वेयर दे कॉज अ सीवियर डैमेज ऑफ सीट दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन इंसानों को इनसे कोई खतरा नहीं बट जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी वगैरह है ये डेट लीज पर डिपेंड रहे वहाँ कोई बीज भी पड़ा रहता है ना सीड तो उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वॉट इज बैल्टिक ट्रेवल बबल क्या है ये बेल्टिक ट्रेवल बबल क्या है ये बेल्टिक ट्रेवल बबल बिल्कुल देखते हैं बेल्टिक कंट्रीज है टू वन अनदर क्रिएटिव अ ट्रेवल बबल दिस इज कॉल्ड द बेल्ट ट्रैवल बबल ठीक है ना जो बेल्टिक जितने भी बेल्ट स्टेट बेल्ट कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया बॉर्डर वाई बॉर्डर एक दूसरे से कनेक्ट होकर मतलब थोड़ा सा बॉडर को ओपन कर दिया टू वन अनो द एक दूसरे के लिए कि हाँ तुम हमारा तुम अपना बॉर्डर ओपन करो हम अपना बॉर्डर ओपन कर देंगे आपके लिए और इसको क्या बोलते हैं ट्रैवल बबल एक बार इसके बारे में थोड़ा सा फोकस कर लेते देख लेते विद ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर दिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ द यूरोपियन नेशन कैन मूव फ्रीली ठीक है ना हाउ एवर पीपल कमिंग फ्राम आउटसाइड द जोन इज बिंग क्वारंटाइंड फॉर फोर्टीन डेज समझ दिस इज द फर्स्ट ट्रेबल बबल सिंस लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद ये पहला अगर देखा जाए तो सबसे पहला ट्रेबल बबल है ठीक है ना द बेल्ट स्टेट आर नॉट बैडली अफेक्टेड एज अदर यूरोपियन स्टेट अगर इनकी बात करें इतनी तो बुरी तरीके से अफेक्टेड नहीं है बट और यूरोपियन स्टेट ज़्यादा है देयर आर लेस देन वन फिफ्टी रिकॉर्डेड डेथ इन द रीजन फिनलैंड पोलैंड the Baltic ट्रेवल bubble. अब जो फिनलैंड है और पोलैंड है इनसे भी कहा जा रहा है कि भाई अब भी आप भी अपना जो ट्रेवल बबल है उसको जोड़ लें मतलब कहने की बात क्या जैसे इन लोगों ने अपने बॉर्डर क्लोज कर रखे हैं तो आप भी अपने बॉर्डर ओपन कर लें जिससे कि थोड़ा लोगों को आसानी रहे ठीक है ना वॉट इजल द टर्न ट्रेवल बम इन टू एग्जिस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल दो अच्छा क्वेश्चन है याद रखना अंडर ट्रैवल बबल स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट विल ओपन द ट्रैवल पार्टनिंग टू सेफ ट्रैवल जोन इन द वर्ल्ड दिस विल इनक्लूड रीजन वे वायरस रिस्क इज मिनिमल ये ये सबसे जरूरी पॉइंट है दिस वाज इनिशिएटेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड द कंट्री एग्रीड टू द आइडिया ऑफ ट्रैवल बबल बिटवीन देम रिसेंटली ठीक है बेल्ट कंट्रीज क्या है अभी मैंने आपको जो दिखाया मैप ये देख रहे हैं ना इसको ध्यान से इसको ध्यान से देख लें ठीक है आइए बाल्टिक कंट्री आर दोज कंट्री दैट आर इन द नॉर्दर्न यूरोप एंड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सी, ठीक है द कंट्रीज दैट आर रेफर टू बाल्टिक स्टेट इंक्लूड एस्टोनिया लिथोनिया लेटविया ये देखिए बेल्टेक्सी है आपका ठीक है आइए द कंट्रीज दट बॉर्डर बैल्टसी इंक्लूड रशिया मतलब द कंट्री द बॉर्डर बैलटेक्सी किस किस साथ है रशिया स्वीडन डेनमार्क एस्टोनिया फिनलैंड लैटबिया जर्मनी पोलैंड एंड लिथोनिया हाँ बिल्कुल इस पिक को देखो <laughs> इनके दिमाग में चल रहा है हाइड्रोक्लोरोइल और इनके दिमाग में पैसा और वेंटिलेटर्स बिल्कुल दोनों को अपनी अपनी चीज़ों की जरूरत है दोनों लोग आपस में बोल रहे हैं कि भाई समझो मन की बात U.S. to donate ventilators to India. United States recently announced that it will donate ventilators to India. The announcement is seen as a reciprocal gesture of India's lift on the export ban in. and ने की बात किया? ये उसका reciprocal है। जैसे कि अभी जो ban कर दिया था ना कि hydrochloroquine देश से बाहर नहीं जाएगी, तो वो ban हटा लिया था अमेरिका को भेजने के लिए, है ना? तो इसी इसी के reciprocal मतलब इसके इसके respect में यूएस ने इंडिया को वेंटिलेटर डोनेट करेगा हाइड्रोक्लोरोक्विन देख लेते हैं क्या है हाइड्रो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देख लेते हैं क्या है इंडिया रिसेंटली लिफ्ट द एक्सपोर्ट बैन ओवर द हाइड्रोक्लोरिन हाइड्रो ड्रग दिस बेनिफिटेड द यूनाइटेड स्टेट टू अ लार्जर एक्सटेंट ऑल्सो यू एस बींग वन ऑफ द वर्स्ट छेड नेशन ऑफ कोविड नाइन्टीन द लिफ्ट बैन बॉज अ ग्रेट हेल्प अगर देखा जाए तो यू में बहुत ज़्यादा कोविड नाइन्टीन के केसेज हैं और जो ये बैन लगा था उसको हटा देने से यू की बहुत ज़्यादा मदद हुई है विद द लिफ्ट अराउंड फिफ्टी मिलियन हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट वर एक्सपोर्टेड टू द यू एस हाउ एवर लेटर स्टडी आर फाइंडिंग आउट दैट ड्रग इज फॉलिंग इट्स इफ ए केस इज सीरियसली इन पेशेंट अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड इन फ्रांस चाइना द ड्रग फेल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ड्राइव मतलब देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो उसकी इम्प्रूव इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है बट अगर रिसर्च के हिसाब से जो स्टडी कंडक्ट हुई है फ्रांस में चाइना उसके हिसाब से देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा कारगर नहीं है ठीक है बहुत यूएस एंड चाइना हैज रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ ड्रग अंडर द नेशनल गाइडलाइन ठीक है हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोइन इन इंडिया आई सी एम आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैडेड द ड्रग इन प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट प्रोफाइलेटिक इज़ आ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मतलब प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट समझ गए कि जैसे कि अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए तो ये प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट के लिए इसको एज ए सजेस्ट किया गया रिकमेंड किया गया ठीक है प्रोफाइलेटिक इज़ अ प्रीवेंटिव ट्रीटमेंट ठीक है मतलब किसी चीज़ को ठीक करने के लिए हाइड्रो इन डब्ल्यू एच ओ क्या हैज़ बीन हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वीन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वन ऑफ द फोर मेगा ट्रायल आपको पता है डब्ल्यू एच ओ फोर मेगा ट्रायल कर रहा है दैट आर बींग कंडक्टेड बाई जी डब्ल्यू एच ओ दिस इंक्लूड हाइड्रोक्लोरोन लोपीनावेर एंड लोपीनाविर एंड रो नलॉन्ग विद अ इंटरफेर एंड अ रेमदेवियर मतलब इनके साथ तो कुछ ट्रायल चल रहे हैं कि अगर इनकी मेडि, इन दो इन सारी मेडिसिन का क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन दिया जाए किसी पेशेंट को या टाइम टू टाइम अगर इनके कुछ डोज चेंज करके दिए जाए तो क्या कोविड नाइन्टीन पर असर पड़ रहा है तो इस हिसाब से रिसर्च चल रही है ठीक है ट्रायल चल रहे हैं बंडस्लिगा ऑफ जर्मनी वर्ल्ड फर्स्ट स्पोर्ट कॉम्पिटिशन आफ्टर कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन वहाँ पर कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के बाद पहला वर्ल्ड फर्स्ट स्पोर्ट कॉम्पिटिशन हुआ देखते क्या हुआ बंडस्लिगा ऑफ जर्मनी बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड मेजर स्पोर्ट इवेंट टू रिज्यूम आफ्टर कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन प्लीज नोट इट दो द स्पोर्ट इवेंट आर बिगिनिंग दे विल नॉट बी प्लेड इन द सेम वे द बंदस लीग अम बिगन विद एम पी टी स्टेडियम दो द स्टेडियम हैट कैपेसिटी टू होल्ड अस्सी हज़ार प्लेयर्स मोर देन अस्सी हज़ार प्लेयर्स अस्सी हज़ार प्लेयर्स नहीं बोलेंगे अस्सी हज़ार जो देखने वाले दर्शक होते हैं वो द प्लेयर आर बींग टेस्टेड ट्वाइस आर बी और जो प्लेयर हैं उनको एक हफ्ते में दो भाग टेस्ट किया जाता था तो दो, दो तो क्या और भी भाग टेस्ट किया जाता होगा द टीम पार्टिसिपेटिंग इन द गेम वैप्ट अंडर द क्वारंटीन द टीम एंटर द ग्राउंड एट ए डिफरेंट एम The substitute सेट well apart during the match. अब कहने की बात क्या है कि जो भी टीम हिस्सा लेती है सबसे पहले उसका टेस्ट वगैरह होता है फिर जो भी जितना भी टीम पार्टिसिपेटिंग है उनको क्या किया जाता है क्वारंटीन किया जाता है ठीक उसके बाद वो ग्राउंड में एंटर करते हैं तो उसके बाद क्या एक, एक एक अगर एक बात बोलें एक का कहते हैं नहीं जैसे कि दो टीम के साथ मैच कैसे होगा तो इसका एक अलग ही उन्होंने तरीका बनाया द सब्सटीट्यूट सेट वेल अपार्ट ड्यूरिंग द मैच ठीक है वंडर्स लीगर क्या है वंडर्स लीग इज अ प्राइमरी फुटबॉल लीग इन जर्मनी इट हैज हाइएस्ट स्टेडियम अटेंडेंस वर्ल्ड वाइड ओह द गेम वॉज बिगन इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री सोचिए हाइएस्ट ज्यादातर भीड़ लगती है तभी देखिए बिल्कुल खाली है स्टेडियम समय समय की बात है द वडरस लीग इज नंबर ऑफ वन फुटबॉल लीग इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ अटेंडेंस ठीक है वंडर्स लीगा मीन्स अ फेडरल लीग द वर्ल्ड इज कॉमन इन कंट्री लाइक ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा बैकग्राउंड कोविड नाइन्टीन हैज रिजल्टेड इन अ पोस्ट पॉनिंग इम्पोर्टेंट स्पोर्ट इवेंट सच एज टोक्यो ओलंपिक एंड अ ब्रैमलिटन ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद अपना ख्याल रखें खुश रहें